हेलो डियर, स्वागत है आप लोगों के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से चल रहा होगा। डियर, कुछ बातों के लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे टेक्निकल एरर हैं जो कि मैं खुद सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि क्योंकि उस टेक्निकल एरर को मैं सही नहीं कर सकता हूँ। वह टेक्निकल एरर कोई थर्ड पार्टी के द्वारा जो है सही हो मतलब हो सकता है, तो जिसके कारण आपका जो है एप्लीकेशन में क्लासेस आने में थोड़ी सी विलम्ब हो रही है और इसके लिए मैं खुद ही बेचैन हूँ कि आखिर आपका क्लास जो है एप्लीकेशन में क्यों नहीं आ रहा है। बट मेरा पूरा कोशिश है एक दो दिन में आपका जो है पूरा क्लास जो है एप्लीकेशन में एकदम से चलने लगेगा। तब तक जो है मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, उसके थ्रू आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आपका क्लास जो है बाधित ना हो, जिसके लिए जो है हम आपको ये जो है मेथड जो है यूज़ किए हैं। तो आज जो है हमारा सेकेंड लेक्चर है और सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ से देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग सेकेंड लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम सभी एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री में ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है स्टार्ट हुआ है। आपको जो है सबसे पहले हम यहाँ से बता दें कि आपका जो स्लाइड है दोनों ही लैंग्वेज में है। कुछ बच्चों का प्रॉब्लम आ रहा था कि सर आप जो हैं कब PDF कैसे शेयर करेंगे, तो बाबू आपको PDF भी आज का क्लास का जो है मिल जाएगा, ठीक है। इसके पहले के क्लास वाला जो है PDF आपको नहीं मिला था, तो आज का PDF आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हम टॉपिक पे आते हैं। इससे पहले हम जो है प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री, ये तीनों जो डिवाइड किया गया था ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। आज जो हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस सभ्यता में सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर जो शहर रहा है वो हड़प्पा शहर रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसके नाम से भी उसको जाना जाता है। देखिए यहाँ देखेंगे आप डियर, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ देखिए एक मिनट, हाँ। ये जो है 2700 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई है। ये जो सभ्यता है 2700 से लेकर के 1900 के बीच में जो है ये इसका टाइम पीरियड रहा है और इसी में जो है ये विकसित हुआ है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा जो सभ्यता है खोज की जाने वाली पहली साइट थी, इसे ईंट लुटेरों ने नष्ट कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि उसे ईंट लुटेरों ने जो है नष्ट कर दिया, क्योंकि वो जो है जैसे ही खुदाई किया गया तो हड़प्पा काल के कुछ ईंट मिलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। ईंट मिलना जो है स्टार्ट हुआ और वह जब ईंट मिला तो लोगों को समझ में नहीं आया कि यहाँ कोई ऐसा सभ्यता बसी होगी जो पहले जो है बाद में आकर के खंडहर हो गई है और दब गई है। उन लोगों ने ईंट जैसे मिला और ईंट निकलते गया, उन्होंने अपना यूज़ में लिया और कुछ लोगों ने तो बेचना भी स्टार्ट कर दिया। तो ये रहा जो नुकसान हुआ, इस ईंट लुटेरों ने नष्ट किया था। इसकी खोज 1875 में पहले जो है निर्देशक अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की पहला मतलब खोज जो है किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया? तो 1875 में किया गया, ओहो हाँ, 1875 में किया गया था, जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और जब ये खोज हुआ तो उन्हीं के काल में जो है ये ईंट मिलता है, जो कि ज़्यादा विशेष फोकस नहीं दिया जाता है कि वहाँ पे भी यहाँ पे कोई जो है क्या बोलते हैं कोई सभ्यता होगी या कुछ ऐसा होगा। ईंट मिला और उसको यूज़ में ले लिया गया और उसको नज़रअंदाज कर दिया गया, उस पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनरल को अक्सर भारतीय पुरातत्व जनक कहा गया है, ठीक है। इसमें जो है पहली बार जो है 1922 से लेकर 21 में सॉर्ज रन और ह्यूबर्ट मार्शल के अधीन उत्खनन अभियान के दौरान हड़प्पा में बड़े द्वारा मोहरों की खोज के बाद खोजा गया। ये सबसे पहला बार 1921 से 22 में खोजा गया सॉर्ज रन के द्वारा नेतृत्व में, ठीक है। और इसमें इनका नेतृत्व जो रहा इसी टाइम जो है हमारे जो दो भारतीय पुरातत्विक जो थे वो रहे और उनके द्वारा जो है इस सभ्यता की खोज होती है। ठीक है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है डियर। चलिए अब देखिए, सिंधु घाटी जो थी चार प्राचीन शहर सभ्यताओं में से सबसे बड़ी थी। ठीक है, ये सिंधु घाटी जो सभ्यता था ये चार शहरों में सबसे बड़ा था। मेसोपोटामिया, इंडियन और चीन के ये चारों में से सबसे बड़ी थी। भौगोलिक रूप से यह शहर गुफाओं से घिरा था। इसकी भौगोलिक रूप की बात करें तो ये जो है क्या था, यहाँ देखेंगे, यहाँ से ये भौगोलिक रूप से जो है यह जो शहर गुफा से जो है घिरा हुआ था। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम जो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका विस्तार पश्चिम में सुतकांगडोर से पूरब में आलमगीरपुर तक। डियर देखो यहाँ, ये देखो, ये जो है हम लोग नक्शा बनाते हैं, ये रहा हमारा, और ये देखो यहाँ से, ये देखो, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, थोड़ा सा भी ध्यान दो, देखो, और ये रहा हमारा नॉर्थ रहा। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ रहता है, ये हमारा नीचा देखो, उसी के नीचे के सिरा जो हमारा रहता है, ये वाला सिरा, ये हमारा साउथ रहता है, और ये हमारा वेस्ट रहता है। ठीक है डियर, ये हमारा वेस्ट रहता है, और ये देखो ये हमारा ईस्ट रहता है। ठीक है, ईस्ट रहता है। तो जो हमारा मानते हैं, आपको समझाने के लिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है। जब सिंधु घाटी सभ्यता है वो हम मानते हैं कि हमारा वो सिंधु घाटी सभ्यता है डियर। तो ये देखो कह क्या रहा है। ठीक है, ये कह क्या रहा है कि यहाँ देखो, इसका विस्तार की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका विस्तार जो है, अरे यार चलो, इसका विस्तार जो है पश्चिम में सुतकांगडोर। ठीक है, पश्चिम में सुतकांगडोर कह रहा है ना, तो देखो यहाँ पश्चिम कहाँ है, पश्चिम यहाँ है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, हाँ यहाँ देखो, ये पश्चिम में रहा, ये यहाँ जो है सुतकांगडोर है, क्या है, यहाँ जो है सुतकांगडोर है। देखो उसके बाद यहाँ ये कह रहा है, क्या कह रहा है, पूरब में, पूरब में यहाँ जो है आलमगीरपुर है, पूरब में आलमगीरपुर है। देखो डियर, हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की आकार की, तो ये रेक्टेंगल है, कुछ इस प्रकार का आपको नहीं दिखेगा, मैं आगे बताऊंगा, रेक्टेंगल है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो उत्तर में जो है मांडू से लेकर दक्षिण में दैमाबाद, उत्तर में यहाँ देखो मांडू, ठीक है, और यहाँ दक्षिण में जो है दाइमाबाद तक इसका जो है विस्तार है। देखो ये जो इसका जो विस्तार है वो इस प्रकार रेक्टेंगल की भांति है, इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ जो है आपका देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, यहाँ आपको नॉर्थ में यानी कि उत्तर में मांडू मिलेगा, और इधर आपका वेस्ट में सुतकांगडोर, और इधर ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा आलमगीरपुर, और यहाँ देखो ये आपको साउथ में देखने को मिलेगा आपका क्या, दाइमाबाद मिलेगा। ठीक है, जैसे ठीक है, ये आप जो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार का आकार जो है किस प्रकार है, तो रेक्टेंगल के भांति है। ठीक है, ठीक है। अब देखो सिंधु घाटी के कुछ स्थल भी पाए गए हैं, जैसे कि दूर अफगानिस्तान और तुर्किस्तान है, ये सारी चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान देने होंगे। अब देखो देयर वेयर एट लास्ट फॉर इन द इंडस सिविलाइजेशन, ये जो है 4 प्रकार, देखो प्रोटो ये जो रहा, ठीक है, और ये सारा देखो द पीपुल ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन वेयर प्रोबेबली द द्रवि डियंस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बीबी लाल प्रोपाउंडर दैट द पीपुल ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन एंड द, देखो ये कह रहे कि बीबी लाल था, जो बीबी लाल थे वो फर्स्ट प्रोपाउंडर रहे हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन का, ये बात है आपका। ठीक है, चलो अब देखो ये आई भी लिखा है तो इससे जो है आप थोड़ा सा देखेंगे, ये आईवी या फेजेस ऑफ आईवी, आईवी मतलब आईवी का फुल फॉर्म होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा। ठीक है, लिखना क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा। अब ये जो है 3 फेज में है, कितने फेज में है, 3 फेज में है, ध्यान देना, कितने फेज में, 3 फेज में है। पहला फेज देखो यहाँ पे अर्ली हरप्पन फेजेस फॉर 3300 से लेकर के 2600 तक रहा है। ठीक है, 3300 से लेकर के यहाँ 2600 तक रहा है। यहाँ देखो, यहाँ 3300 से लेकर के आपका ये 2600 तक रहा है। ठीक है, और सेकेंड द मतलब मिड वाला जो रहा है वो 2600 से लेकर के 1900 तक रहा है। अब देखो द लास्ट हड़प्पन फेजेस 1900 से लेकर के ये जो है 1300 तक रहा है। ये तीन फेज में जो है बटा है, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, देखो इम्पॉर्टेंट सीट्स है किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो आपको याद रखने हैं। हड़प्पा का जो है ये किस लोकेशन, यहाँ ये लोकेशन है, ये जो इतना इसमें जो दिख रहा है आपको ये सब इसमें लोकेशन है। और ये जो किस नदी के तट पे ये बसा हुआ है ये शहर, ये इसमें है। ठीक है, और ये जो रहा इसका ये नाम रहा। ठीक है, ये जो रहा इसका नाम रहा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ सबसे पहले हड़प्पा जो है मटगुनरी जिला जो है पंजाब में है, वहाँ अवस्थित है। और ये जो है रावी नदी के तट पे, ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मोहनजोदारो, देखो जितना इम्पॉर्टेंट शहर है उसी को मैं बता रहा हूँ, बाकी किसी को नहीं। ठीक है, बाकी किसी को नहीं। ये सिंध है, ये भी जो है देखो इंडस जो है नदी के तट पे है, इंडस रिवर के। ठीक है, चंडहुद्रो की बात करें यहाँ पे देखेंगे आप तो ये भी सिंध प्रांत में है। और ये जो है ये भी इंडस रिवर पे है। ठीक है, और ये जो रहा है पहले वाला ये रावी पे रहा है, रवि नहीं रावी। सुतकांगडोर की बात करें, ये भी सब इम्पॉर्टेंट है। सुतकांग ये जो है बलूचिस्तान में है, कहाँ पे है, बलूचिस्तान में है। और ये बलूचिस्तान दास्त नदी पे है। ठीक है, अब देखो ये रंगपुर है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जितना मैं लेकर आया हूँ सब इम्पॉर्टेंट है इसलिए, जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये अहमाबाद में है, ठीक सॉरी अहमाबाद में है। ठीक है, अहमदाबाद, ठीक है सॉरी, ये मेहर। ठीक है, अब देखो कालीबंगा, ठीक है कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, घाघर नदी के तट पे। ठीक है, कहाँ पे, घाघर नदी। लोथल की बात करें तो देखो ये लोथल अहमदाबाद में है। और ये सरस्वती एंड भोगवा नदी के तट पे है, कहाँ पे, सरस्वती एंड भोगवा नदी। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं बनावली, ठीक है किसकी, बनावली की, ये हरियाणा में है। और हरियाणा ये देखो सरस्वती नदी के तट पे है, कहाँ पे, सरस्वती नदी के। और ये देखो धौलावीरा है। और ये गुजरात में है, कहाँ पे, लूनी नदी। ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट है डियर, ईमानदारी पूर्वक इसे लर्न कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या करोगे, लर्न कर जाओगे। अब चलो एक एक करके सभी को देखते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता रहा है उसमें क्या क्या मिला है। सिल्स आउट ऑफ स्टोन्स मिला है यहाँ पे, यहाँ आउटसाइड ऑन बैंक्स ऑफ रिवर रावी। ठीक है, ये याद रखना, बस इतना ही। अब मोहनजोदारो की बात करें तो ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेट यहाँ पे देखो डांसिंग गर्ल मिली है। ठीक है, मैन विथ द वियर्ड्स कॉटन, देखो ये सारी चीज असेंबली हॉल मिला है, यानी कि महान आसनागर। ठीक है, ये पूछे जाते हैं कि कहाँ से क्या चीज़ मिला है, तो महान आसनागर यानी कि स्नान करने का जो एक जगह है वो महान था, बहुत बड़ा, बहुत भव्य था, जो कि हड़प्पा मोहनजोदारो से मिला है। यहाँ से महान अन्नागर भी मिला है, जिसको हम लोग अन्न, जहाँ पे अन्न रखते हैं, अन्न भंडार रखते हैं। ठीक है, अन्न भंडार। और देखो यहाँ पे नृत्य, ठीक है नृत्य करने वाली एक लड़की मिली है। ठीक है, दाढ़ी वाले एक सुत्ती, ठीक है, और इकट्ठे आदमी हॉल मिले हैं, एक इकट्ठे हॉल में जो है आदमी मिले हैं, जिसको हम लोग असेंबली हॉल कहते हैं। ठीक है, शब्द का अर्थ है कि मृतकों का पर्वत। ठीक है, और सिंधु घाटी के तट पर माना जाता है कि यह बढ़ा या आक्रमण से नष्ट हो गया था। ठीक है, बिलीवेड टू हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड और इन्वेशन। ठीक है, ये रहा आपका। ठीक है, देखो डियर, इसमें समझने का कुछ नहीं है, जो समझाने वाली बातें हैं वहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, बाकी ये सारी चीज़ें लर्न करने वाली बातें हैं, तो आपको यहाँ पे लर्न करना होगा। ये सभी की सभी चीज़ें आपको लर्न करना है। बैंक ऑफ इंडस रिवर, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय गोपाल मजूमदार, इसको जो है चंडहुद्रो को किसने खोजा था, गोपाल मजूमदार ने खोजा था। ठीक है, किसने खोजा था, गोपाल मजूमदार ने। ठीक है, एंड ठीक है प्री हड़प्पन कल्चर। ठीक है, ठीक है। कल्चर इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट चनहुदरो में आप याद रखो कि बैंक ऑफ इंडस रिवर डिस्कवर्ड बाय गोपाल मजुमदार। कालीबंगा की बात करें, एट राजस्थान ऑन द बैंक ऑफ रिवर घाघर डिस्कवर्ड बाय ए घोष। देखो ये जो है राजस्थान में है, और ये जब राजस्थान में है तो ये किस रिवर पे है, घाघर पे है, और इसका जो खोज है अमलानंद घोष के द्वारा किया गया है। किसके साथ, ए घोष का मतलब है अमलानंद घोष के द्वारा किया गया है। फायर अलर्ट, यहाँ से अग्नि का पहचान मिला है, देखो यहाँ से अग्नि का पहचान, हॉर्सेस रनिंग, ठीक है, यहाँ पे घोड़े के दौड़ने का जो है छाप मिला है, ठीक है, देखो सॉरी हॉर्सेस है, ठीक है, यहाँ से देखो, ठीक है, और ठीक है। अब देखो यहाँ पे रोपड़ की बात करते हैं, पंजाब ऑन द बैंक ऑफ रिवर सतलुज। रोपड़ जो है ये सतलुज नदी के तट पे है और ये पंजाब में है, डिस्कवर्ड बाय वाई.डी. शर्मा, ठीक है, किसके द्वारा, वाई.डी. शर्मा। डॉग बर्डिंग विथ ह्यूमंस, ठीक है, देखो एक आदमी के पीछे जो है, यहाँ जो है एक मैन के पीछे जो है एक कुत्ता जो है भाग रहा है, ठीक है, ये देखो ये मान लो ये कुत्ता है, हम कैसे कैसे बनाए, ठीक है, ये जो है दौड़ रहा है, ठीक है, यही जो है इसका साक्ष्य जो है हमें मिला है। ओके चलो, ये सारी चीज़ें लर्न करने वाली बातें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लोथल की, किसकी, लोथल की बात करते हैं। एट गुजरात नियर भोगवा रिवर डिस्कवर्ड बाय सर रॉय, ठीक है, एस आर रॉय, ठीक है, सर नहीं एस आर रॉय के द्वारा लोथल का खोज किया गया है, और ये गुजरात में नियर भोगवा रिवर पे है अवस्थित है, यहाँ से भी अग्नि का जो है साक्ष्य मिला है। बेसेड द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती, ठीक है, और स्टोर हाउस, ठीक है, स्टोर हाउस यहाँ मिला है, और डबल जो है वरियल मिला है, और राइक्स हुक्स मिला है। देखो हाउसेस हैड फॉर फॉन्ट इंट्रेंस मिला है, यहाँ से देखो आप धौलावीरा की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको लर्न करना है, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें लर्न करने हैं, विदाउट लर्न किए तो कोई उपाय नहीं है डियर, ठीक है, ठीक है डियर। चलो अब बिगेस्ट सिटी इन इंडिया अंटिल द डिस्कवरी ऑफ राखीगढ़ी, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा जो है बिगेस्ट सीट है इंडिया का धौलावीरा, ठीक है, लोकेटेड इन द खादिर वाइट राना ऑफ कुछ गुजरात में है। बस याद रखना कि ये लोकेटेड गुजरात में, बाकी इतना लंबा चौड़ा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद रखना कि गुजरात में डिस्कवर्ड बाय जे.पी. जोशी के द्वारा जो है ये खोजा गया, किसके द्वारा, जे.पी. जोशी के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं बनावली की। ऑन बैंक्स ऑफ लॉस्ट रिवर सरस्वती, ठीक है, इन हरियाणा, ठीक है, ठीक है, याद रखना, बस इतना ही, ठीक है। अब चलो अब सुतकांगडोर की बात करते हैं, ठीक है, सुतकांगडोर की बात करते हैं, किसकी, देखो 1929 में स्टीन हाँ इसका जो है खोजा गया है, ठीक है, द्वारा उत्खनन किया गया। स्थान पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत में दस्त नदी पर है। हड़प्पन और बेबलिन के बीच एक व्यापार बिंदु है, कौन, सुतकांगडोर जो है हड़प्पन और बेबलिन के बीच एक व्यापार बिंदु है जिसके द्वारा जो है व्यापार होता है। याद रखिएगा सुतकांगडोर का ये सबसे महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम आप जैसे जैसे ये दुनिया बदल रही है, एग्ज़ाम जो है हाई हो रहा है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है हाई होते जा रहे हैं। और एक बात ये भी है कि आप जितना उठकर सोच रहे हैं ना, उससे ज़्यादा उठकर के आपका एग्जामिनर जो है सोच रहा है कि हम कैसे क्वेश्चन बनाएं, ठीक है, क्या है, कैसे जो है क्वेश्चन हम बनाएं ताकि क्वेश्चन सिलेबस के अंदर से ही आए और हार्ड भी ना हो, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि देखिए सीटों की संख्या तो कम है, लेकिन डियर बच्चों की संख्या बहुत अधिक है, तो उसमें से साइड तो करना होगा ना, इसीलिए। अब बात करते हैं यहाँ पे अमरी की, किसकी बात करते हैं, अमरी की बात करते हैं। देखिए अमरी एन.जी. मजुमदार, ठीक है, मजुमदार द्वारा 1935 में उत्खनन किया गया, किसका, अमरी का, किसका किया गया, अमरी का जो है उत्खनन किया गया 1935 में। एनजी मजुमदार के द्वारा। स्थान जो है इसका कहाँ पे है, तो सिंध नदी के तट पर मृगसाक्ष, ठीक है ठीक है। अब देखो सुतकांगडोर की बात करते हैं, ठीक है, किसका, सॉरी सिरकोटदा की बात करते हैं, किसकी, यहाँ देखो सिरकोटदा की बात करते हैं। डियर पीपीटी बनाने वाले थोड़ा सा पीपीटी में गड़बड़ कर दिए हैं, इसके लिए मैं सॉरी। यहाँ से आप देख लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इतना थोड़ा बहुत तो इंग्लिश पढ़ने आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है। तो देखिए 1964 में जेपी जोशी द्वारा इसका उत्खनन किया गया था, किसका, सिरकोटदा का, ठीक है। और आपको बता दें कि ये कहाँ है, तो गुजरात, ठीक है, गुजरात में है। और यहाँ पे घोड़े की माला की हड्डियाँ मिली हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ तक हम जितने इम्पोर्टेंट शहर हैं जो उस टाइम मिले हैं, उन सभी शहर के बारे में हम लोग देख लिए, क्या है, सभी शहर के बारे में हम लोग देख लिए। अब देखते हैं कि यहाँ का शहरीकरण एवं नगर नियोजन का जो था वह क्या है आखिर, ठीक है ठीक है। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशेष विशेषता है। नगर नियोजन जो रहा है वह हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशिष्ट और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, इसलिए इसे शहरी नागरिक कहा गया है। कस्बों को मैमली एटेंडल और निचले शहर को के भागों में विभाजित किया गया था। गढ़ों पर साक वर्ग के सदस्य का कब्जा था और निचले शहर में आम लोग रहते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आईवीसी की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, यह है कि जल निकासी प्रणाली की नालियाँ पक्की ईंटों से बनी होती थी और पत्थर की मिट्टियों से ढकी होती थी, ठीक है। चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा शहर था जिसका कोई राजकोष नहीं था। अब देखो डियर हम बताते हैं इसकी नगर नियोजन की क्या विशेषताएं थी। इसका नगर नियोजन जो था वो दो पार्ट में विभाजित था। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक था ऊपरी सिरा और निचली सिरा, ठीक है। निचली सिरा में जो है आम लोग रहते थे, ऊपर वाले में जो है विशेष प्रकार के जो लोग हैं वो रहते थे, ठीक है। ये रहा आपका दोनों का तरीका जो बनावट का था वो सेम था, बट थोड़ा सा डिफरेंस था, ठीक है। देखिए ये सारी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो हिस्टोरियन है उन्हीं के द्वारा जो रखा गया है वो मैं बता रहा हूँ आपको। फिर बात करते हैं कि जो नाली का जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था था, नाली जो कि पानी जाती है उसका जो है पक्की ईंटों के द्वारा जो है नाली बनाया गया था। आज आप समझ लो कि बहुत पहले की बात मैं कह रहा हूँ, तब समय अपना भारत इतना विकसित था, ठीक है। अगर वही सभ्यता अगर नष्ट नहीं हुई होती और उसी पे अगर हम लोग चले होते तो शायद आज अपना भारत कहीं और होता और इसको छूने वाले मतलब नहीं होते कोई देश, ठीक है। बहुत आगे रहता अपना भारत, ठीक है। खैर अभी भी हम लोग अच्छे ही हैं, ठीक है, तो वह रहता था। अब देखिए इस सभ्यता के एक और विशेष महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस सभ्यता में जो है गेट दरवाज़ा जो है आगे की तरफ नहीं खुला हुआ रहता था, पीछे की तरफ खुला हुआ रहता था। कहाँ? पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं खुला होता था, पीछे की तरफ खुला होता था, ये याद रखेंगे विशेष रूप से, ठीक है। अगर हम आपसे क्वेश्चंस के तौर पे पूछेंगे कि डियर आप बताना कि इस सभ्यता में ईंट का जो रेशियो है वह किस रेशियो में था, तो शायद आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे आंसर ज़रूर करेंगे कि आखिर ईंट का जो रेशियो था वो साइज था किस रेशियो में था, ठीक है ठीक है। सॉरी डियर, चनहुदड़ो जो था एक शहर है जो एकमात्र ऐसा शहर था जिसका कोई राजकोष जो है नहीं रहा है। क्या है, क्या रहा नहीं रहा है, राजकोष जो है नहीं रहा है। ठीक है, अब इसके एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स के बारे, इकोनॉमी के बारे में जान जाते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बारे में, कृषि एवं अर्थव्यवस्था, वे गेहूँ जो है इसके बारे में जानते हैं। वे गेहूँ उगाते थे, कौन, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो गेहूं की खेती करते थे और गेहूं उगाते थे। देखिए, ठीक है, और मुश्किल बड़े पैमाने पे जो है अन्य फसल उगाते थे। ठीक है, ठीक है, जिसमें दाल जो है, अनाज, कपास, खजूर, ठीक है, खरबूजा, मटर, सेसम और सरसों शामिल थे। ठीक है, चावल का कोई प्रिय साक्ष्य नहीं मिला है। देखो डियर, उस समय जो है हमें गेहूं का ही साक्ष्य मिला है, चावल का साक्ष्य तो भूल ही जाइए कि उस सभ्यता में चावल का कुछ साक्ष्य हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, और जो प्राप्त हुआ है वहीं बता रहे हैं। हड़प्पा के लोग अधिकतर किसान थे, उस टाइम के जो भी लोग थे वो किसान थे, किसानी करते थे, खेतीबाड़ी करते थे और ठीक है इस प्रकार हड़प्पा नागरिक थे। ठीक है, ठीक है, एक कृषि वाणिज्य नागरिक थे। हड़प्पा सभ्यता के जो था वो कृषि वाणिज्यिक नागरिक था। ठीक है, हड़प्पा वासी कपास उगाने वाले सबसे पहले लोग थे। ठीक है, कपास उगाने वाले सबसे पहले व्यक्ति रहे हड़प्पा वासी। उनका सबसे महत्वपूर्ण कलात्मक कार्यशील ले हैं जो कि टाइट से बनी होती थी, एस्टिटाइट से बनी होती थी और वे आकार में चौकोर होती है। सबसे अधिक चित्रित जानवर बूल है। ठीक है, चिड़िया बनाने और सेल ओमेट बनाने का भी अभ्यास किया जाता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में भूमि और समुद्री व्यापार प्रचलित था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में भूमि और समुद्री व्यापार दोनों तरीके से व्यापार किया जाता था। याद रखिएगा, ये नहीं हम आपसे एक ही बात बता देते हैं कि इसका निगेटिव पॉइंट कुछ भी नहीं है, जो भी ये पॉजिटिव है। अभी आप जो चीज़ें देख रहे हैं वो सारी चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, जैसे कि भूमि और समुद्री व्यापार भी अभी होता है तो पहले भी हुआ था। 2300 के करीब जब ये सभ्यता थी उस टाइम भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है हमारा भूमि और जो है समुद्री व्यापार जो था। ठीक है, लोथल में एक गोदी खान पाया गया है जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे लंबा भवन रहा है। लोथल में एक सबसे लंबा भवन जो है पाया गया है। ठीक है, अब इसकी कुछ हड़प्पा की लिपि के बारे में बात करते हैं। हड़प्पावासी लिखने की कला जानते थे। डियर, हड़प्पावासी जो थे वो लिखने की कला जानते हैं, जैसे कि हम लोग अभी लिख रहे हैं, इस तरीके के लिखने की जो है जानते हैं। ठीक है, कला, खुदाई में लिपि के 4000 से अधिक नमूने मिले हैं। खुदाई जब हुआ तो 4000 से अधिक जो है नमूने मिले हैं हमारी लिपि के। स्क्रिप्ट जो है 4000 मिले हैं। हालांकि यह लिपि अभी तक वर्णानुक्रमित नहीं है, यानी कि एक अनुक्रमित रूप से नहीं है, वर्ण में जो है अनुक्रमित नहीं है, बल्कि चित्रात्मक है और इसे अभी तक समझा नहीं जा सका है। यानी कि ये वर्ग वर्ण में, यानी कि जैसे कि हम लोग क ख ग घ ऐसे क से कुत्ता लिख देते हैं, ख से खरगोश लिख देते हैं, तो वर्ण अनुक्रमित नहीं है। ये चित्रों के माध्यम से जो है अपने बातों को जो है ये प्रकट किए हैं और उस चित्र को अभी तक हमारा कोई भी हिस्टोरियन अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं। तो यही बात है जो आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसमें जो समझाने की बातें मैं आपको समझा रहा हूँ, जो बताने की बातें वो बता रहा हूँ और पूरा का पूरा आपको लर्न करना होगा। देखो 2 से 3 बार पढ़ोगे आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, ये बात है। अब बात करते हैं जानवरों को पालतू बनाना। ये लोग जानवर को पालतू बनाते थे, जिसमें भैंस, बैल था, भैंस था, बकरियाँ, भेड़ और सूअर, कुत्ते, बिल्लियाँ, गधे और ऊँट पालतू थे। ये सारी चीज़ें जो थी पालतू थे, ये पाला जाता था उस समय में। इस टाइम भी पाला जाता है, बैल भी पाला जाता है, भैंस भी, बकरियाँ और भेड़, सूअर भी पाला जाता है और कुत्ते भी पाले जाते हैं, बिल्ली और गधे भी पाले जाते हैं, ऊँट भी पाले जाते हैं, यानी कि सब चीज़ पाले जाते हैं। देखिए, कुवड़ वाले बैल हड़प्पा वासियों के पसंदीदा था, जो कुबड़ वाला बैल था, जो कुबड़ निकला रहता था, वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा था, सबसे ज़्यादा इन लोगों को अच्छा लगता था। कब? वो बैल। घोड़े पर केंद्रित नहीं बल्कि सुरकोटदा, मोहनजोदाड़ो और लोथल में साक्ष्य मिलता है कि शेर प्रसिद्ध थे, हाथी प्रसिद्ध थे और गैंडा प्रसिद्ध थे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की ओर रही और सुरकोटदा की बात करते हैं, मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं और लोथल की बात करते हैं, तो इसमें जो है शेर प्रसिद्ध रहा है, हाथी प्रसिद्ध और गैंडा भी प्रसिद्ध रहा है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको जानना है। अंतर क्षेत्र के और विदेशी व्यापार में संलग्न सुमेरियन ग्रंथों में मेलुना के साथ व्यापार संबंध का उल्लेख है, जो कि आप याद रखेंगे, इसमें कुछ समझाने की बातें नहीं है। सिंधु क्षेत्र को दिया गया प्राचीन नाम और दो अस्थायी व्यापारिक स्टेशन डिमुन और मेकेन का उल्लेख करें। ठीक है, अब देखो हम बता रहे हैं, परिवहन के लिए नावों और बैलगाड़ियों का उपयोग किया जाता था। परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी कि हम लोगों को चलने के लिए, जब हम लोग भी तो परिवहन का यूज़ करते हैं। बैलगाड़ी, गांव में आप जाएंगे तो बैलगाड़ी आपको देखने को मिलता है। हमें बताइएगा कि कितने लोगों ने बैलगाड़ी देखा है और उस पर थोड़ा सा भी कभी ना कभी बैठा होगा, मुझे बताएंगे ज़रा, ठीक है, कि कितने ऐसे डियर स्टूडेंट हैं जो बैलगाड़ी पर सवारी किए हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से विनिमय स्थापित किया गया। आयात करना सोना, चांदी, तांबा, टीन, जेस्ट, स्टील। निर्यात जो है, आयात में जो है सोना भी। अब देखो 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 थोड़ा सा यहाँ हम आपको समझाएंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से विनिमय स्थापित किया गया। पहले जो चलता था वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। मानते हैं कि हमको अगर 2 किलो दाल लेना है तो हम 2 किलो चावल दे देंगे तो हमें 2 किलो दाल मिल जाएगा। उस समय मुद्रा नहीं था, ठीक है। अब देखो, हम लोग आयात यानी कि इंपोर्ट क्या करते थे, यानी कि किसी अन्य देशों से क्या क्या हम लोग खरीद कर अपने भारत में लाते थे, जो कि अभी भी हम लोग लाते हैं। तो देखो, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टीन, जस्ता, ये सारी चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करते थे। और एक्सपोर्ट क्या करते थे, यानी कि बेचते क्या थे, क्योंकि जब तक हम लोग बेचेंगे नहीं, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारा भारत कैसे विकसित होगा। अगर सिर्फ खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो भाई बताओ इकोनॉमिक में क्या हमारी डेवलप होगी? कभी भी नहीं। तो हम लोग निर्यात भी करते थे। कृषि उत्पादन, कपास के सामान, कपास से जो हम लोग सामान बनाते थे वो बेचते थे, ठीक है। मूर्तियां जो है वो बेचते थे, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इसका जो है एक PDF मैं दे दूंगा कि क्या इंपोर्ट और क्या एक्सपोर्ट हम लोग करते थे, ठीक है, जो है यहाँ देख लीजिए, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं, व्यापार एवं वाणिज्य की, ठीक है। अब देखो, ग्रैनिस द्वारा समर्थित व्यापार महत्व एक समान स्क्रिप्ट और नियमित वजन और माप को सील करता था, ये जानेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ये बात मैं बता चुका हूँ, तो आगे की ओर मैं बढ़ूँगा। देखिए, इंपोर्ट, आयात जो है सामान, देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें मैं तो पहले बता चुका हूँ। PPT रिपीटेड है यार, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, यहाँ कुछ संस्थाओं के इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी हमारा भारत के पास भी इंस्टीट्यूट है, संस्थाएं हैं। क्या उस टाइम भी था? डियर, मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि बहुत 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 डेवलप शहर रहा है हमारा। ये क्या बोलते हैं, IVC यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत कम लिखित सामग्री की खोज की गई, ठीक है, और विद्वान अब तक सिंधु लिपि को समझने में सक्षम रहे हैं। परिणाम स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता के राज्य और संस्थाओं की प्रकृति को समझने में कठिनाई होती है। किसी भी हड़प्पा स्थल पर कोई मंदिर नहीं पाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहीं भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, किसी भी स्थल पे जो है हमें मंदिर नहीं मिला है। इसलिए हड़प्पा पर पुजारी के शासन की संभावना को समाप्त किया गया। तो इसलिए ये समझा जाता है कि वहाँ उस समय पुजारी की जो है शासन नहीं था। ठीक है। हड़प्पा पर संभवतः व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था। हड़प्पा जो था उस पर एक व्यापारी वर्ग जो थे, जो व्यापार करते थे, उनका ही शासन रहा है ऐसा माना जाता है, एक मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलने के कारण। ठीक है, ये बात आप जानेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ बात करते हैं उस टाइम के जब लोग रहे हैं तो उनके धर्म के बारे में, उनके रिलीजियंस के बारे में बात करते हैं आईवीसी के उस टाइम के लोगों के। देखिए पशुपति महादेव, माँ दयालु, प्राकृतिक जो पशु पूजा, ठीक है, गेंडा कुबड़दार जो थे, पीपल वृक्ष, आग जो है, इस सभी को पूजा किया जाता था, मूर्ति पूजा का प्रचलन था। ठीक है, अब देखो मंदिर नहीं बनाए, हिंदू धर्म प्रथा से कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। अब हम आपको समझा रहे हैं, इसमें कुछ दिक्कत हो रही होगी, सुनिए। उस टाइम जो थे था पशुपति महादेव को माना जाता था, प्राकृतिक की पूजा होती थी, पशु पूजा होता था, गेंडा कुबड़दार जो बैल था उसको भी पूजा किया जाता था, पीपल के वृक्ष को भी पूजा किया जाता था, आग का भी पूजा किया जाता था, अग्नि देव जो थे उनका पूजा किया जाता था, मूर्ति पूजा का भी प्रचलन था, मूर्ति का पूजा किया जाता था। कब? सिंधु घाटी सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम। बात करते हैं कि वहां पे एक ताबीज का भी साक्ष्य मिला है, ताबीज जंतर मंतर, ठीक है, ताबीज का भी साक्ष्य मिला है डियर। तो बात करते हैं ताबीज की। तो ताबीज का जब साक्ष्य मिला है तो यहां से यह साक्ष्य प्रकट होता है कि उस टाइम, कब? सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम भी, टाइम जो है आपका क्या रहा है, भूत प्रेत तंत्र मंत्र की जो है मान्यता रही है। उस टाइम के लोग जो है भूत प्रेत तंत्र मंत्र और ये ओझा, ये जो है जादू मंत्र जो रहा है, उस टाइम के लोग जो है एक्सेप्ट करते हैं और मानते थे। तो देख लीजिए ये सारी प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है। क्या पता आप मानते हैं नहीं मानते हैं, वह आपका ओपिनियन है, बट यहाँ पे जो हिस्टोरियन के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा बताया गया है, मैं उन्हीं का पक्ष रख रहा हूँ, मैं अपना कुछ भी नहीं पक्ष रख रहा हूँ, कुछ भी पक्ष अपना नहीं है, जो भी है ये हिस्टोरियन का पक्ष है, हमारे प्यारे क्यू डियर स्टूडेंट। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी सी राजनीतिक भी देखते हैं, पॉलिटी देखते हैं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है डियर। एक बात याद रखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ, आप हम पे ट्रस्ट करके आए हो तो याद रखो कि आपको सक्सेस जरूर कराएंगे हम, ठीक है। यहाँ तक तो जरूर पढ़ा देंगे आपको कि आगे भविष्य में अगर कहीं भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मेरा ये गारंटी है कि आपको समझने में, बूझने में कहीं से भी डाउट नहीं होगा। आपका सिलेक्शन आपके ऊपर है, मैं गाइड करूंगा, मैं पूरा एफर्ट लगाऊंगा, बाकी आप कितना देते हैं वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिलेक्शन दिलाऊंगा या नहीं दिलाऊंगा इसका तो बात छोड़ो, लेकिन मैं वहां तक जरूर पहुंचा दूंगा। सिलेक्शन होना नहीं होना वो दूसरी पक्ष की बात है, आप सिलेक्शन के लिए पढ़ोगे ना तो मुझे इतना, मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ शायद आप उतना अच्छा से नहीं पढ़ पाओगे। आप कुछ सीखने के लिए पढ़ो, कुछ जानने के लिए पढ़ो कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता में ये हुआ है या ये नहीं हुआ है, तो ये होना चाहिए था। इसके ये अगर ये साक्ष्य मिला है, जैसे कि हम आपको कह देते कि ताबीज का साक्ष्य मिला है तो, और नहीं बताते कि ताबीज का जब साक्ष्य मिला है तो वहाँ पर भूत प्रेत जो है, जंतर मंतर, इस सारी चीज़ों का जो है मान्यता रहा। तो आपको ये सोचना चाहिए, हमसे पूछना चाहिए। तो इस पर्पस से अगर आप पढ़ते हैं ना तो मेरा दावा मानिए कि आपका सिलेक्शन भी कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। चलिए इस क्लासेस में ज़्यादा बातें नहीं। अब बात करते हैं राजनीति की। केंद्रीय सत्ता ने योगदान दिया, ठीक है, समान संस्कृति में योगदान दिया केंद्रीय सत्ता। संगठित बल या स्थायी बल सेना का कोई प्रिय विचार नहीं है। अब देखिए उस टाइम जो था संगठित बल या अस्थाई सेना का कोई भी जो है साक्ष्य नहीं मिला है। हड़प्पा में पुरोहितों का शासन नहीं था। पुरोहित जो होते हैं अभी के समय में, आपके भी पुरोहित होंगे, उनका शासन नहीं था, जैसे कि उन्होंने निचले मेसोपोटामिया के देवताओं में किया था, लेकिन संभवतः व्यापारियों के एक वर्ग द्वारा शासन किया गया था, ठीक है। वहाँ पे जो है एक व्यापारी वर्ग के द्वारा ही शासन किया गया है, कहीं से भी आप देखेंगे तो यही साक्ष्य मिलता है। वहाँ पे पुरोहित, मंदिर और पंडितों का जो है साक्ष्य मिलता ही नहीं है, ना ही वहाँ पे शासन के कुछ संभावनाएं दिखती है। अब बात करते हैं मिट्टी के बर्तन के चित्रित जो है उसके। बर्तन की तुलना में सादे मिट्टी की बर्तन अधिक आम हैं और आम तौर पर लाल रंग के होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मिट्टी का जो बर्तन मिला है वो किस कलर का होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो डियर हमारे याद रखना यहाँ से लाल रंग का जो है ये मिलता है, ये लाल रंग का उसका जो है साक्ष्य मिलता है और समान रूप से मजबूत और अच्छी तरह से पका हुआ रहता है वो मिट्टी का बर्तन। ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन पहिए से बने होते हैं, चाक पहिए जो चाक होता था। आप अभी भी जाएंगे तो जब पूजा होती है घर में तो कलश आता है, दीप जलाने के लिए मिट्टी का दीप आता है क्योंकि वह शुद्ध माना जाता है। शादी विवाह पूजा जो होते हैं उसमें जो है ये सभी चीज़ों को शुद्ध माना जाता है और इन सब चीज़ों को लाया जाता है मिट्टी के बर्तन को। तो वहाँ पे जो गोल गोल नचता है उसी को कहते हैं चाक। ठीक है, अब आओ। कुम्हार को लाल और काले मिट्टी के बर्तनों के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, लाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना क्योंकि यह पृष्ठभूमि के चित्रित करने के लिए लाल रंग का उपयोग करता था और लाल पृष्ठभूमि पर डिजाइन और आकृतियां बनाने के लिए चमकदार काले रंग का उपयोग किया जाता था। देखिए, पेड़, पक्षी, जानवर, आकृतियाँ और ज्यामिति पैटर्न पेंटिंग के आवर्ती विषय थे। दुर्लभ पॉलीक्रोमिक मिट्टी के बर्तन भी पाए गए हैं, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, सील और सेलिंग की बात करते हैं। अधिकांश मुहरे वर्गाकार मिट्टी का है। ठीक है, जो जितना भी है वर्गाकार मिट्टी का है जो अधिकतर एस्टिटाइट से बनी है। एक मिनट यहाँ से देखते हैं राइट। चलो चलो ठीक है। मुहरों के एक तरफ एक जानवर या मानव आकृति होती थी। मुहर का जो है शायद मैं नेक्स्ट क्लासेस में सभी का पिक्चर दिखाऊंगा और दिखाने का कोशिश करूंगा और लाने का भी कोशिश करूंगा। ठीक है डियर, अभी एडजस्ट कर लो। ठीक है, और विपरीत तरफ एक शिलालेख का, दोनों तरफ शिलालेख होते थे। ठीक है ठीक है, अब देखो जब हम मुहर की बात किए हैं कि मुहर का भी साक्ष्य मिला है। एक तरफ क्या मिलता है, मूर्ति उर्ति मिलता है और एक तरफ जो है लिपि का जो है वो मिलता है। तो इसका उपयोग क्या है? ठीक है, मुख्य रूप से व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए। ठीक है, ताबीज के रूप में और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए पहचान के रूप में किया जाता है था प्रकार। और इसका देखो आपको समझने में कुछ दिक्कत होगी, मैं समझा रहा हूँ। इसको जो है एक पहचान दिलाने के लिए हम मुहर का यूज़ करते हैं। अभी के समय हम लोग मुहर का यूज़ क्यों करते हैं, अब बताओ क्यों करते हैं? कि अब जाओगे तो डीएम साहब के पास कुछ कागज़ लेकर के वो अपना मुहर मार देंगे तो उससे वो प्रमाणित होगा कि ये डीएम साहब के द्वारा जो है प्रमाणित किया गया है ये पत्रिका को। तो इसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मुहर का। तो उस टाइम भी इसी के लिए यूज होता था। अब मुहर का, मुहर जो किस प्रकार का था तो वर्गाकार था और आयताकार था। वर्ग यानी कि स्क्वायर में था और रेक्टेंगल में भी था। ठीक है, रेक्टेंगुलर था, रेक्टेंगल ही रेक्टेंगल आपका त्रिभुज हो जाएगा, रेक्टेंगुलर था यानी कि आयताकार था। अब देखो दफनाने के तरीके, एक एक चीज़ पढ़ाएंगे डियर। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपार जैसे शहरों के पास मिले कब्रिस्तानों से हड़प्पा वासियों की दफनाने की आदतों के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ कहाँ से? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपार जैसे शहर जो हैं इसके पास जो कब्रिस्तान हमें जो प्राप्त हुआ है, देखने को मिला है, वहाँ से आदमी को जो है दफनाने का साक्ष्य मिलता है। वह किस प्रकार होता है? मोहनजोदाड़ो में पूर्ण दफनाना और दाह संस्कार के बाद दफनाना दोनों प्रचलित था। देखिए, मोहनजोदाड़ो में पूर्ण रूप से दफना दिया जाता था और दाह संस्कार के बाद भी दफनाया जाता था। ये दोनों प्रकार की प्रणालियाँ जो है ये प्रचलित थी। अब दाह संस्कार के बाद दफनाना, देखिएगा कि दफना करके राख लाया जाता है और दाह संस्कार करने के बाद उसे गंगा में जो है विसर्जित किया जाता है। उसको भी दफनाना ही कहते हैं कि हम जो हैं इस अस्थि को गंगा में विसर्जित कर दिए, गंगा जी को दे दिए उनके द्वारा। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का जो है रहा है जो शायद अभी भी चलता है ये जो है तरीका। ठीक है, लोथल में दफन गड्ढे को जली ईंटों से सजाया गया था जिससे पता चलता है कि ताबूत का इस्तेमाल किया गया था। लोथल में कभी कभी हड्डियों के जोड़े के साथ साथ बर्तन के दफनाने के अवशेष मिलते हैं, लेकिन इसके बाद का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि सती प्रथा होती थी। अब ये हम बताते हैं कि लोथल में जो है साक्ष आपको ताबूत कुछ पीटी समझते हो ना, बॉक्स जैसे कि रेक्टेंगुलर होता है आयताकार, उसी प्रकार का एक बॉक्स होता है जिसके द्वारा दफनाया जाता है। तो उसके साथ बर्तन वगैरह भी दफना दिए जाते हैं कि उसका सामान है उसके साथ ही हम लोग रख देते हैं। तो कुछ इस प्रकार का साक्ष्य मिलता है। इसके साथ यहाँ से ये भी साबित कर देते हैं हमारे हिस्टोरियन कि डियर इस कन्फ्यूज़न में आप नहीं रहिएगा कि क्या उस टाइम सती प्रथा प्रचलित था या नहीं था। तो हिस्टोरियन क्लियर कर दे रहे हैं कि उस टाइम तक अभी तक जो है कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है कि क्या सती प्रथा है या नहीं है। तो सती प्रथा का कोई भी प्रमाण आपको अभी देखने को नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। ओके, अब समाज और संस्कृति के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए उस टाइम के जो समाज थे पुरुष और महिला दोनों को इक्वल वैल्यू था। ठीक है, ठीक है, कोई भी भेदभावना नहीं था, कोई भी असमानताएं नहीं थी। कपड़ा, कताई और बुनाई ये होते थे, तीन प्रकार का दफनाना, दाह संस्कार और दाह संस्कार के बाद दफनाना आम था। ये सारी चीज़ें आपको हम बता चुके हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं समाज की संस्कृति की, तो वो लोग पूजा पाठ ये सारी चीज़ें करते थे। इक्वल वैल्यू था महिलाओं को, पुरुषों को। महिला खुद से वर चुन सकती थी, ठीक है, अपने शादी करने के लिए। ठीक है, पुरुष भी चुन सकते हैं, पुरुष भी कर सकते थे, जो कि अभी हमें नहीं दिया जाता है। ठीक है, सॉरी, मतलब अभी जो है ये नहीं दिया जाता है कि आप अपने मनमानी से कर सकते हैं। उस टाइम जाति भेदभाव नहीं था, जाति का कैटेगराइज किया गया था लेकिन कर्म के रूप में, ना कि आप जब पैदा हो रहे हैं ना तभी से आपका जाति जो है क्लियर है, ये ऐसा कुछ नहीं था। आप जिस प्रकार के कर्म करते थे उसी के बेस पे आपका जो है जाति बन जाता था। और उस टाइम किसी भी जाति से भेदभाव नहीं था, आप कार्य करने के लिए जाति का कैटेगराइज किया गया था। ठीक है, ये जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के बारे में जानते हैं। अब लास्ट है कि इसका आखिर पतन कैसे हो जाता है। हमारा इतना बड़ा शहर, हमारा इतना बड़ा सभ्यता, इतना डेवलप सभ्यता, इतना विकसित हमारा जो ये सभ्यता है, कल जो है सिविलाइजेशन है, आखिर ये पतन कैसे हो जाता है, इसका विनाश कैसे हो जाता है। डिस्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सभ्यता के पतन का कारण क्या था, इस पर कोई सार्वभौमिक सहमति नहीं है। कई परिकल्पनाओं प्रस्तावित की गई है कि ऋग्वेद के कालों में विध्वंस का उल्लेख है। देर हम आपको बता रहे हैं कि इसका कोई भी साक्ष्य प्रमाण नहीं है और ना ही इस पे कोई भी सार्वभौमिक सहमति जताया जाता है कि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का यही मुख्य रूप से क्या है, पतन का कारण है, विलुप्त होने का कारण है, ऐसा कुछ नहीं अभी बताया गया है। लेकिन कुछ परिकल्पनाओं यानी कि काल्पनिक तौर पे ये प्रदर्शित किया जाता है, प्रस्तावित किया गया है कि ऋग्वेद में जो है विध्वंस का कुछ उल्लेख है। तो हम लोग आगे जब पढ़ेंगे ऋग्वेद में तो ये सारी चर्चाएं करेंगे। बाकी चलिए कुछ और देखते हैं। देखिए जैसे कि बताया गया है कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे बार बार बाढ़ आना, नदी का सूखना, अत्यंत दोहन के कारण मिट्टी की उर्वरता कम होना और समय समय पर आने वाले भूकंप ने हड़प्पा शहरों का पतन में योगदान दिया होगा। ये कुछ इस प्रकार का अनुमान लगाया गया है, ना कि ये कोई जो है प्रमाणिक साक्ष्य है। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, कोई भी प्रमाणिक साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विध्वंस, विनाश, विलुप्त कैसे हुआ है। ओके, कुछ विशेषज्ञों के अनुसार आर्यों का आक्रमण अंतिम आघात था। देखिए कुछ विशेषज्ञ जो थे, आर्य एक प्रकार का जाति है जो कि आगे हम लोग जो वैदिक जो सभ्यता है, वैदिक काल है, उसको पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आखिर ये आर्य क्या है, आर्य कहाँ से आए हैं और इनका आने का मुख्य कारण क्या रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा, तो इनका जो है आक्रमण का आघात जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का विलुप्त का कारण बताया गया है। मोहनजोदड़ो में एक साथ भीड़ में मिले मानव हड्डियों इस बात का संकेत देती है कि शहर पर अजनबियों द्वारा हमला किया गया था। आर्यों के पास मजबूत हथियार और तेज घोड़े थे जिनसे उन्होंने इस क्षेत्र में को जीतने में मदद मिली होगी। हमारे जो हिस्टोरियन है, इतिहासकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो ये जताते हैं कि मोहनजोदड़ो में जो साक्ष्य मिली है वो मानव की हड्डी का साक्ष्य मिली है, मानव का जो हड्डी है उसका साक्ष्य मिला है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला होगा, तभी ये साक्ष्य आपको जताया जा रहा है। तो ये इस बात पे, इस साक्ष्य पे ये प्रकट करते हैं, ये अपना पक्ष रखते हैं कि शहर पर अजनबी जो थे, जो आर्य के रूप में वो मानते हैं कि उन्होंने हमला किया होगा और हमला करने पे जो है ये सारी विध्वंस हुई होगी, क्योंकि आर्यों के पास मजबूत हथियार थे और घोड़े थे, ये सारी चीज़ें उनके पास थी, जिसके कारण वो जो है इसको विध्वंस करने में अहम भूमिका निभाए होंगे। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, गिरावट के अन्य सिद्धांत आर्य आक्रमण जो है मोर्टीमर व्हीलर, ठीक है, टेक्निक मूवमेंट, रॉवर राइक, सिंधु लहरीपन नदी का मार्ग परिवर्तन, इसे आप याद नहीं रखेंगे, टेक्निकल वर्ड है डियर, ये सारे टेक्निकल वर्ड हैं, याद भी नहीं रखेंगे तो चलेगा, ठीक है। अब देखिए, ये होता है हमारा स्लाइड ऑफ, ठीक है, यहाँ तक रहा, ठीक है। अब चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब रहा ये हमारा, ओके, ये रहा हमारा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। देखो डियर, आप इसके लिए विशेष रूप से ज़्यादा जो है परेशान नहीं होंगे, ठीक है। क्या है, विशेष रूप से जो है आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आपका ये टॉपिक रहा कंप्लीट, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आपका कंप्लीट रहा है। ओके, थोड़ा सा मैं पेन ले लूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ये रहा आपका पूरा कंप्लीट, ठीक है, इसमें और कुछ जानने की आपको नीड नहीं है, ठीक है। जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीडीएफ, सारी चीज़ें मैं अभी अपलोड कर दूंगा, जैसे ये लिंक आपका जो क्लास जैसे एंड होगा आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। बाकी ऐप में मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ, 2 से 4 दिनों में मैं आपको ऐप में लेक्चर डिलीवर करूँगा, इसके लिए मैं आपसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, इसके लिए सभी को सॉरी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, ठीक है डियर, सभी को थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, जो भी डाउट है हमारा कांटेक्ट है, डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, और आप सभी जो हैं हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप जो भी डाउट में फंसे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, आप हमसे क्लियर कर सकते हैं, बिना डरे, बिना किसी गम के, ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, चलिए।